राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पटियाला में नीट पीजी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों के अभिभावकों से भी बात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे नहीं कराया तो राज्य सरकार स्वयं यह सर्वेक्षण कराएगी। राघव चड्ढा ने ईडी सीबीआई को लेकर किया प्रहार, कहा लोकतंत्र की नींव हिलाने की हो रही कोशिश। लखनऊ मंडलायुक्त ने जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म और किताबों की खरीद के लिए स्कूल अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे। राजधानी दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर का कल शाम 5 बजे हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। ई बाइक से ले ऐतिहासिक स्थलों के सफर का आनंद, एमसीडी ने तैयार किया हेरिटेज टूर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार का ध्यान जल मार्ग को दुरुस्त करने पर है, इसके जरिए माल और यात्री जहाजों की आवाजाही के लिए कम से कम 23 नदियों के सिस्टम को विकसित किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की 107वीं जयंती पर यहां भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उनके ऐतिहासिक डकोटा विमान को रविवार को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा। पंजाब के सतर्कता ब्यूरो ने रिश्वत लेने के आरोप में एक सहायक उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल द्वारा दायर याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी एक पेशी वारंट को चुनौती दी थी। सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र सर्वप्रथम। वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। राष्ट्र